इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रूम के बाहर से आवाज़ आती है कि प्रेसिडेंट ये आपके जो है क्लोथ्स आ गए हैं और ये बोलते हैं, तो ये सुनते ही एटिंग कहते हैं हाँ जी मैं आ रहा हूँ और लेने, तो उसके बाद जो है एटिंग अपने क्लोथ लेकर आता है। तभी जो है हम जालिम को देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और वहाँ पर रखे एक टॉय को उठाता है और कहते हैं वाह कितना ज़्यादा क्यूट है। और जो बेचारा ये मन में सोच रहा होता है कि ये जालिम जो है अब बिल्कुल भी नहीं बदले, ये बिल्कुल सेम पहले जैसा ही है, ये ड्रिंक करने के बाद इसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। तभी जो है जालिम जो है ये को देखता है और कहता है कि ये क्या तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो जो ये है वो बोलता है कि क्या पूछना है तुम्हें, पूछो जल्दी। तभी जो है जालिम कहता है कि मुझे ये पूछना है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर इस जगह पर कितने तरह के स्पाइसी फूड्स हैं। हाँ, तब इसका ना जवाब देते ही जो है ये जा रहा होता, तभी जो है जालिम ये का जो कॉलर टाइप पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल भी मत जाओ, अभी जो है मैंने सुना नहीं कि तुमने क्या आंसर इसका दिया, बिना जवाब दिए तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये बोलते ही जो है फिर ये टैंक कहता है अच्छा ठीक, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल टाइप का जो है स्पाइसी फूड है और भी दो तीन बताते हैं, जैसे वो चौथा बताने जाता है तभी जो है जालिम जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी जो है ये सुनते जो है ये है वो थोड़ा शॉक्ड सा देखता है और ये जो है वो जालिम के फेस को टच करता है और कहता है मिस मी, अभी तुमने क्या कहा। और वो जो है जालिम का टाइट से गालों को पकड़ता है और कहता है कि तुमने क्या कहा कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, क्या रियली में ऐसा है। हाँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, और वैसे भी हमारे ब्रेकअप को कितने समय हो गया है। हाँ, तुम सच्ची में अगर मुझे मिस कर रहे होते तो इतने समय में ना तुमने मुझे कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज किया, और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। हाँ, और ये जो है वो जानने का टाइटली हाथों को पकड़ लेता है और उसके गालों को भी टाइट से पकड़ के रखता है और अचानक से जो ये है वो जालिम को किस कर लेता है और ये देख के जालिम पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और ये जो है जालिम की जो है आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ये देखते जो है ये है वो जालिम को छोड़ देता है। तभी जो है ये जो है वो जालिम के फेस को टच करता है और कहता है कि तुम अभी जो है नशे में हो, तो तुम्हें मैं सच बताता हूँ, ठीक है जालिम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं, तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँगा। हाँ, और वैसे भी अब जो है मैंने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया है, ठीक है, और तुम क्या मेरे से दूर जाना चाहते हो, तुम कहीं पे भी भाग के चले जाओ, तुम मेरे से दूर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, तुम्हें समझ आई है। और ये बोलने के बाद जो है फिर शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे बेचारा जो जालिम है वो सोके उठता है और कहता है मेरे सर दर्द कितना ज़्यादा हो रहा है, मुझे पता है कि मेरे ड्रिंक करने के बाद मेरी हालत ऐसे बिल्कुल बेकार से हो जाती है। और जालिम जो कॉलेज के टाइम को याद कर रहा होता है जब वो ये टेक साथ में होते हैं, तो जालिम जो ड्रिंक होता है और एक पप्पी को उठा रखा होता है और कहता है कि ये मुझे तुमसे जो है शादी करनी है, आई लव यू, ये और ये सब चीज़ें वो उस पप्पी को कह रहा होता है। और वो फिर उसका जब हैंगओवर होता है तो उसे पता चलता है कि मैंने जो है किस जो है उस पप्पी को किया था। वो बेचारा ये वो कहता है कि मैं इधर हूँ, क्योंकि जो जालिम है वो पप्पी को जो है ये टैंक मान रहा होता है। तो फिर जो है जालिम कहते छोड़ो ये सब चीज़ें, इन सबको जाने दो, और वैसे भी अच्छा होगा मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, मुझे जो फटाफट से जाके एक बढ़िया सा गिफ्ट लेना चाहिए मेरे प्यारे प्रेसिडेंट ये की क्यूटी बेबी लवर के लिए। फिर जो है तीन दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जालिम जो है प्रेसिडेंट ये के ऑफिस में आता है, तो ये जो है वो कहता है कि अच्छा अंदर आओ। तभी जालिम जो है वो कहता है ये लो गिफ्ट और मुझे जो है कुछ काम है। तभी जो है प्रेसिडेंट ये कहता है कि नहीं यहाँ पे बैठो, जब तक रेंजिया नहीं आती तुम नहीं जा सकते हो। तभी उस वजह से ऑफिस का एक बंदा कहता है कि बॉस जो रेंजिया है वो आ गए हैं। तो ये सुनते ये स्माइल करता है और कहता है कि हाँ हाँ उनको बोल दो कि जल्दी ही अंदर आ जाए, और अपने जो सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है कि दो कप जो है वो मिल्क शुगर को लेके आना, और याद रखना उसमें जो है थोड़ा जो हनी है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सुन के जो भारत जालिम है वो मन में सोचता है कि क्या, वो मन में सोचता है अपने पुराने स्कूल टाइम की बात है जिसमें जो है
ये उस जैलन साहब को जा रहे होते हैं, और जैलन जो है वो ये को कहता है कि ये डैन तुमने जो है ये इस कप कॉफ़ी जो है इसमें तुमने ये जो है मीठा बहुत ज़्यादा कम है, नेक्स्ट टाइम से तुमने इसमें हनी थोड़ा ज़्यादा डलवाना। तो ये कहता है अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा ओके। तो फिर जो है जैलन मन में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता था कि इतने समय बाद भी ये को याद होगा कि मुझे क्या पसंद। तो फिर जो है वहाँ पर जो है रंजिया आ जाता है, और उसको जब रैलिंग देखता है तो वो अपने एक अपने आप को कंपेयर कर रहा होता है, सोचता है ये कितना शाइनिंग लग रहा है, मैं कितना डल सा लग रहा हूँ। हाँ तभी जो है वो वहाँ पे जो है मिल्क आ जाता है, और वो जो मिल्क ऑफ कप कॉफ़ी है वो ये और रजिया पी लेते हैं। ये देख के जैलन को बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लिए आ रहा है। तभी जो जो ये टेक की सिक्योरिटी है वो जैलन से पूछती है कि सर आप भी कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे। तभी जो है ये कहते हैं नहीं उसको कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तभी जो है जैलन कहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली प्यास नहीं है। तभी जो है ये जो है वो रजिया को उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो रजिया कहते हैं क्या सरप्राइज हाँ। तभी जो है जो ये है वो कहता है कि इधर लेकर आओ तब जैलन को। तो जैलन घबरा जाता है और कहता है कि हाँ मैं ला रहा हूँ। तभी जो जैलन है वो जो गिफ्ट है उसे जो है बॉक्स से निकालने जाता है। तभी जो है ये कहता है कि तुम उसे निकाल क्यों रहे हो ऐसी ला के, तो उसे तभी जो है ये कहता है जो जैलन है वो कहता है कि हाँ एक्चुअली ये मेरा नहीं आपके लिए है, तो आप इसे खोल के देख लीजिए। वो थोड़ा अजीब सा नर्वस सा फील कर रहा होता है। तभी जो है रंजिया जो है वो अपने जो गिफ्ट है उसको खोल के देखता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एक वॉच होती है। तो उस वॉच को वो देख ही रहा होता है। तभी ये टंग जो है वो रंजिया से पूछता है कि ये बताओ कि ये जो वॉच है तुम्हें कैसी लगी, क्या ये वॉच तुम्हें पसंद आई। हाँ तभी जो है रंजिया जो है वो जैलन की तरफ देखता है और उसके बाद मना कर देता है कि नहीं ये वाली वॉच जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो ये सुनते ही जैलन कहता है कि क्या मैंने इस वॉच को ढूंढने में पूरे 3 दिन लगाए हैं। और सो इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है ये खत्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।